80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली महाभारत आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बखूबी बसी हुई है। इसका हर किरदार दर्शकों के दिमाग में दिल में बसा हुआ है। खासकर श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नितिश भारद्वाज। नितिश ने इस रोल से लोगों का दिल जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ये किरदार उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। इस किरदार के लिए, इस रोल को पाने के लिए उन्हें कई मशक्कत करनी पड़ी थी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कृष्ण के लिए करीब 55 टेस्ट हुए थे, लेकिन कृष्ण के रोल के लिए नितिश भारद्वाज की मुस्कान ने ही महाभारत के डायरेक्टर रवि चोपड़ा का दिल जीत लिया था और उन्हें रोल दिलाने में मदद की थी। नितिश कुमार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें पहले विदुर के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन उस समय नितिश भारद्वाज की उम्र सिर्फ 23 या 24 साल की ही थी। वहीं महाभारत में कुछ एपिसोड के बाद विदुर बूढ़ा हो जाता, जिसके लिए ये रोल किसी और को दे दिया गया। इसके बाद नितिश भारद्वाज को नकुल और सहदेव का रोल भी ऑफर किया गया, लेकिन नितिश ने इस रोल को करने से साफ इनकार कर दिया। नितिश भारद्वाज ने अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि कुछ समय बाद जब उन्हें श्री कृष्ण के रोल के लिए बुलाया गया, लेकिन तब भी उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने महाभारत के डायरेक्टर से ये कहा था कि आपको श्री कृष्ण के लिए एक एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत है, एक नए इंसान को आप इतने बड़े महानायक का रोल कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर उनसे डायरेक्टर ने स्क्रीन टेस्ट देने को कहा। जब नितिश ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो उन्हें झट से डायरेक्टर ने कृष्ण के रोल के लिए चुन लिया। हम आपको बता दें कि 80 और 90 के दशक में नितिश भारद्वाज की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि लड़कियां उनकी दीवानी हो चुकी थी। उनकी एक मुस्कान पर हर कोई मर मिटने को तैयार था। कुछ ऐसी थी इस छलिया की अदा। दोस्तों, आपको नितिश भारद्वाज कितने पसंद है? क्या आपको लगता है इनसे बेहतर कोई टीवी पर श्री कृष्ण का रोल निभा सकता था? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट।